हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्वेश्चंस जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ सेवंथ सैलरी कमीशन, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपका आंसर होगा अशोक कुमार माथुर। ओम बिड़ला आपके सत्रहवीं लोकसभा अध्यक्ष हैं। मनोज पांडे एंड राजीव काबा, जगदीप धनखड़। कॉफ़ी इज़ फाउंड इन द वर्ल्ड ऑफ लार्ज स्केल, कॉफ़ी का जो इस्तेमाल है सबसे ज़्यादा किस देश में पाया जाता है? यानी वो है ब्राज़ील आपका, जबकि चाइना, अमेरिका, यूक्रेन और इंडिया, इन सभी में क्रमशः गेहूँ, अमेरिका में मक्का, यूक्रेन में सूरजमुखी और इंडिया में आपका सबसे ज़्यादा अबरक। कलर बर्ड्स फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन, यानी जो एक कलरव नाम का फेस्टिवल है वो सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, यानी किस राज्य में मनाया जाता है? वो बिहार में मनाया जाता है। जबकि पोंगल, जल्लीकट्टू, थिपुसम, आदिपुरक ये तमिलनाडु के प्रमुख त्यौहार हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, द कैपिटल ऑफ ईरान, ईरान की राजधानी, ईरान की कैपिटल है बच्चों तेहरान, ओस्लो नॉर्वे की, बैरूत काहिरा मिस्र की, थिम्पू भूटान की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव आपका, देयर आर इन क्वाड, तो क्वाड में कितने देश हैं? तो क्वाड में डियर स्टूडेंट्स चार कंट्री हैं। नंबर एक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अमिताभ कांत कमेटी इज़ मेड फॉर, अमिताभ कांत कमेटी बनाई गई है किस चीज़ के लिए? फॉर ट्रेन इन प्राइवेट सेक्टर है, यानी रेलगाड़ी को प्राइवेट सेक्टर में देने के लिए जो है वो अमिताभ कांत कमेटी बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स आपके लिए, क्वेश्चन नंबर ये रहा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लागू की गई, एक्ट 370 2019 में, नीति कमीशन आपका जो नीति आयोग है वो 2015 में, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में। द हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी हेड ऑफिस कहाँ पर है? यूनेस्को का हेड ऑफिस है पेरिस में, जबकि ब्रिक्स का शंघाई में, आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का द हेग में, सार्क का काठमांडू में और WHO का जिनेवा में। ऑपरेशन गंगा इज स्टार्टेड फॉर, ऑपरेशन गंगा यूज़ किया गया था फॉर स्टूडेंट्स के लिए, जबकि ऑपरेशन मंकी, ऑपरेशन 25, ऑपरेशन थंडर एंड ऑपरेशन संकल्प, ये सभी विभिन्न प्रकार से यूज़ किए गए हैं। हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है? निर्मला सीतारमण भारत की प्रेजेंट वित्त मंत्री हैं, जबकि वित्त अध्यक्ष का इस बार जो पर्पज़ है हमारा वो है PM घाटी शक्ति, समावेशी विकास, निवेश को वित्तीय मदद एंड सनराइज अवसर। क्वेश्चन नंबर आपका 10, इज़ द फिल्म दैट वॉन द ऑस्कर अवार्ड, वह कौन सी फिल्म है जिसने 2022 का ऑस्कर अवार्ड जीता है? वो फिल्म है कोडा, ट्राइंगल ऑफ स्टूडेंट्स, शेरशाह, बॉलीवुड का सबसे बेहतर फिल्म जीतने वाली है 2022 की, द पावर ऑफ द डॉग। डिफरेंट तरह से अवार्ड को इन सभी ने जीता है डियर स्टूडेंट्स। मेरे अगले क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स कंप्यूटर के जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर इज़ इन इलेक्ट्रिक मशीन, तो कंप्यूटर इज़ मेड, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक मशीन है, तो कंप्यूटर बना है, कंप्यूट वर्ड से बना है, जबकि कंप्यूटर का काम होता है डाटा को कलेक्शन करना, डाटा को स्टोरेज करना, डाटा आउटपुट करना। इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट, CPU, ALU एंड CU क्या है? व्हाट आर, तो ऑल आर द कंप्यूटर पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये सभी कंप्यूटर के पार्ट हैं, जबकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इनकमिंग डाटा एंड आउटगोइंग डाटा। फुल फॉर्म ऑफ गीगो, गीगो की फुल फॉर्म है, नंबर एक गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये गीगो की फुल फॉर्म है, EDP, रा डाटा, CD-ROM। क्वेश्चन नंबर आपका 4, देयर आर डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, सिद्धार्थ, पैकमैन, IBM एंड लिनोवो, ये सभी कंप्यूटर के प्रकार हैं, यानी कंप्यूटर इस तरह के बन चुके हैं। द लेयर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इज़ मेड ऑफ,
यानी जो हमारी सर्किट चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, उसके ऊपर जो परत होती है ना, वो सिलिकॉन की बनी होती है। और इसको सर्च किया था जेएस किल्वी ने, सीवी रमन, रॉबर्ट नायक एंड जोसेफ मैरी, ये सभी कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। और सीवी रमन हमारे देश के हमारे एक वैज्ञानिक भी हैं। कीबोर्ड माउस, ट्रैक बॉल एंड लाइट पेन, ये सभी हमें बताना है कौन सी डिवाइस हैं। डियर स्टूडेंट्स, सभी को बताना है कौन सी डिवाइस है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा ये सभी मेरी इनपुट डिवाइस हैं, ये सभी मेरी इनपुट डिवाइस हैं जो कंप्यूटर में यूज़ की जाती हैं। इस तरह से डिवाइस दो प्रकार की होती हैं, नंबर एक इनपुट डिवाइस होती है और नंबर दो आउटपुट डिवाइस होती है। होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन, ये सभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले वो सब पार्ट हैं जिनका हम इनपुट डिवाइस के ज़रिए यूज़ करते हैं। देयर आर डैश काइंड्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, नंबर एक इम्पैक्ट प्रिंटर, नंबर दो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नंबर एट, वर्ड लेंथ 8, 16, 32 एंड 64 इज़ द मेन फॉर्म ऑफ, ये बच्चों डियर स्टूडेंट ये बिट के सबसे पार्ट होते हैं। बिट सबसे छोटी 8 और सबसे बड़ी 64 की होती है। बिट की फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट, ऑन शुरू करना, ऑफ बंद करना और इंस्ट्रक्शन आपका निर्देश देना। फुल फॉर्म ऑफ IBM, IBM की फुल फॉर्म क्या है डियर स्टूडेंट्स? IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर एंड माउस, ये सभी हमारे आउटपुट डिवाइस हैं, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं जिससे मैंने इनपुट डिवाइस आपको ऊपर बता दिया है। प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ टू चेंज द डाटा इन द, यानी सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है जब वो डाटा को बदलता है? तो उसका जो इम्पोर्टेंट काम है सॉफ्टवेयर का, वो है इंफॉर्मेशन में उसको बदलना। प्रोग्राम, वेबसाइट एंड ऑब्जेक्ट नेटवर्क, ये सभी प्रोग्राम, कार्यक्रम, वेबसाइट और ऑब्जेक्ट नेटवर्क, ये सभी कंप्यूटर के डिफरेंट तरह के पार्ट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को देखें, शेयर करें। ये वीडियो हमारी कितनी हेल्पफुल आपके लिए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें। अगर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल रिजवान सर 61 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। थैंक्स।